और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें अब तक अनशन की इजाजत नहीं मिली है। हमारे संवाददाता गोपी घांगर से खास बातचीत में हार्दिक ने कहा कि अनशन की इजाजत ना देना लोकशाही के गले घोटने जैसा है। हार्दिक पटेल, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव से पहले आपने एक मूवमेंट शुरू की थी, अब लोकसभा चुनाव को 6 महीने का वक्त है। विधानसभा 2017 में थी और हमारी मूवमेंट 2015 में थी, 2 साल का फर्क था। और अभी जो 2018 चल रहा है चुनाव, तो 2019 में 5 या 6 महीने में होगा। और इसमें हम भी क्या करें, हमारे देश में हर 2 साल या 1 साल या 6 महीने में चुनाव आ जाते हैं। हम तो हमारे मुकाम पर खड़े, हम तो हमारी लड़ाई पे खड़े हैं। चुनाव आना जाना वो तो अलग है, हम तो आंदोलनकारी हैं। लेकिन हार्दिक, आपका आंदोलन हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों होता है फिर? तो मैं चाहता हूँ कि चुनाव ही एक बार कर दो ना, बार बार चुनाव मत करो, तो आपको ये ना लगे चुनाव से पहले। मैंने वही तो बोल रहा हूँ, 2017 में चुनाव तो हम लड़ 2015 से लड़ रहे थे और अभी से हम लड़ रहे हैं ना, चुनाव से 6 महीने पहले थोड़ी ना लड़ रहे हैं। हार्दिक, लेकिन आपको अनशन के लिए अब तक अनुमति नहीं दी गई है सरकार की ओर से, ना ही जगह आपको अप्रूवल दिया गया है, तो फिर ये कैसे आर पार की लड़ाई रहेगी? अपनी जगह से बैठ कर करेंगे। बड़ा दुख होता है जब मीडिया वाले हमें ये पूछते हैं कि परमिशन नहीं दी। ये होना चाहिए परमिशन क्यों नहीं दे रही, संवैधानिक है ना, परमिशन देनी चाहिए। नहीं दे रही उसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये हुकूमत पूरी तरह से अंग्रेज बनकर काम कर रही है। लेकिन धारा 144 लगा दी गई है शहर, मेरे लिए लगी है ना। कल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो कलश यात्रा निकली थी, बिना परमिशन अनुमति ये पूरा रैली निकाल दी, यात्रा निकाल दी, तो धारा 144 मेरे लिए है, कानून मेरे लिए है, न्यायतंत्र मेरे लिए है, बीजेपी वालों के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ हम अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, लेकिन क्या बिना परमिशन उनकी कलश यात्रा निकाल देना सही है? हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे, हम भी हमारी सही लड़ाई है। लेकिन हार्दिक, आपके जो अनशन है तो कौन कौन आएगा उस अनशन में, क्योंकि जिस तरीके से आपको लगता है कि सरकार आपके अनशन को आगे बढ़ने देगी? नहीं बढ़ने देगी तो बढ़ाएंगे। बड़ा दुख होता है जब ये लोग पूछते हैं कि बढ़ने देंगे नहीं बढ़ने देंगे, क्यों रोक रही है हम लोगों को? 25 साल के बच्चे को रोकने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको एक दिन के लिए हिरासत में लिया, बसें जला दी गई थी कि भाजपा वाले जलाते नाम हमारा आता है, भाजपा वाले बवाल करते नाम हमारा आता है, किसी की हत्या भाजपा वाले करते नाम बिचारा किसी निर्दोष का आ जाता है। भाजपा वाले तो इसमें एक्सपर्ट है ना ये सब करने में। हम कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, उसका मान मर्यादा हम चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कानून व्यवस्था का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल बीजेपी वाले करें और उसका खामियाजा हम लोग भुगते हैं। लेकिन आपने 4 जगह की अनुमति मांगी थी, 4 में से 1 भी जगह आपको नहीं दी गई, आपने घर पे यहाँ पे तांत्रिक का एक लोकशाही का गला घोटना जैसा है। लेकिन आपने यहाँ पे पंडाल लगा था तो घर से भी पंडाल को हटा, तो ये दुख की बात है ना। यही दिखाना चाहिए कि भी किसी के घर में लगा हुआ पंडाल भी पुलिस वाले और भाजपा वाले निकाल देते हैं, तो यहाँ के लोग अपने अधिकार से वंचित ही रहेंगे ना, अपने अधिकार तक पहुँच ही कैसे पाएंगे। लेकिन पाटीदारों के लिए एक आयोग भी बना दिया गया है, और आयोग से सब कुछ होता है। हमारी मांग आरक्षण की, समाज को शिक्षा और रोजगार के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, किसानों की कर्जा माफी हमारी मांग, ये 2 मांग के लिए सरकार कुछ करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।